महाराष्ट्र में रद्द होगी 12वीं की परीक्षा। राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट को भेजा रद्द करने का प्रस्ताव। 2 दिन में आएगा अंतिम फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को मदद की राशि की घोषणा। बच्चों के अकाउंट में राज्य सरकार करेगी 5 लाख रुपए जमा। महाराष्ट्र में मानसून अधिवेशन की 7 जुलाई से होगी शुरुआत। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। हालात सामान्य रहे तो फरवरी में होंगे बीएमसी के चुनाव। चुनाव आयोग ने दी तैयारी के निर्देश। बीएमसी चुनाव के साथ बचे हुए 10 मनपा चुनावों होने की संभावना। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। संजय राउत ने कहा, फडणवीस को मेरी वजह से सत्ता जाने का दुख। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। एक दिन फडणवीस जरूर मातोश्री आएंगे। फडणवीस का संजय राउत को पलटवार, हमारे लिए मातोश्री के दरवाजे बंद है, हमने मातोश्री जाना बंद नहीं किया। फडणवीस के बाद एकनाथ खड़से ने सिल्वर ओक पर की शरद पवार से मुलाकात। मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। महाराष्ट्र के घरेलू हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर। महाराष्ट्र के किसी भी इलाके से मुंबई आने वाले हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट में मिली छूट। मुंबई में लगातार तीसरे दिन आए 1000 से कम कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 925 मरीज हुए संक्रमित, वहीं 1632 मरीज हुए ठीक। मुंबई में कोरोना से 31 लोगों ने गंवाई जान, वहीं शहर में 24732 केस एक्टिव। सीरम इंस्टीट्यूट के आधार, पूनावाला को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है तो राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या गृह मंत्री को उनसे करनी चाहिए मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार को हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चेतावनी के बाद भी मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दिखा लंबा ट्रैफिक जाम। मुख्यमंत्री ने कहा था, गर्दी कम नहीं हुई तो फिर सख्त करेंगे पाबंदियां। थाने में आज आए कोरोना के 125 नए मामले। 197 मरीज हुए ठीक और 4 लोगों ने गवाई जान। महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, अपने गांव को बनाओ कोरोना फ्री और जीतो 50 लाख रुपए। मीरा भाईंदर में आज आए कोरोना के 70 नए मामले। 121 मरीज हुए ठीक और 3 मरीजों ने गवाई जान। दहिसर कोविड सेंटर में महज 150 लोगों का आज हुआ वैक्सीनेशन, सूत्रों के हवाले से आई खबर। मुंबई के कलवा रेलवे स्टेशन में मोबाइल चोर को पकड़ने के दौरान चलती ट्रेन से गिरी महिला, मौके पर हुई मौत, आरोपी हुआ गिरफ्तार। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर मुंबई कांग्रेस ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। साइकिल और बैलगाड़ी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे मौजूद। मुंबई में मानसून की हुई शुरुआत। मुंबई के दादर, लालबाग और परेल में बारिश ने दी दस्तक। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के सवाल पर अरविंद सावंत ने परमेश्वर की तरफ दिखाया हाथ, कहा यह फैसला उद्धव ठाकरे के हाथ में। टीवी सीरियल एक्ट्रेस निशा रावल ने तोड़ी चुप्पी, पति करण मेहरा पर लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और मारपीट का आरोप। पत्नी निशा रावल के आरोपों को करण ने किया खारिज, कहा निशा बाइपोलर है और उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है, वो कुछ भी कर सकती है, उनको डील करना मुश्किल। महाराष्ट्र के लिए दिलासे की बात, आज आए कोरोना के 15,169 मरीज सामने, वही 29,270 मरीज हुए ठीक। आंकड़ों के साथ महाराष्ट्र में कोरोना के मौत के मामले में आई कमी। बीते 24 घंटों में 285 मरीजों ने गवाई जान।